हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप, लेकर आया हूं आपके लिए क्रॉसम कूलर फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम आपको बनाकर दिखाएंगे एक कार ब्लूटूथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कार ब्लूटूथ की वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई है। वैसे ही मैं बहुत सारी ब्लूटूथ की वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं एक अलग सा कार ब्लूटूथ बनाकर दिखा रहा हूं, जो आपको मार्केट में थोड़ा सा महंगा मिलता है। अगर आपके पास ऐसा ब्लूटूथ है तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है लोकल में 30 रुपये का, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट से मिलेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लूटूथ मिल जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, और अगर ये अच्छा लगता है तो ये ले लीजिएगा, बना बना अभी मिलता है। साथ ही साथ आपके पास एक 3.3 mm जैक भी होना चाहिए। इसी की मदद से हम अपना ब्लूटूथ कार वाला ब्लूटूथ बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक हमारे पास बैटरी होनी चाहिए और एक छोटी सी डिब्बी, और अगर आपके पास ऐसी बैटरी नहीं है तो आपके पास 3 वोल्ट की कोई भी एक बैटरी होनी चाहिए ब्लूटूथ की। छोटी बैटरी भी होती है, बड़ी बैटरी भी होती है, वो आपके ऊपर, आपके पास जैसी बैटरी हो वो ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने एक स्विच इसमें पहले से ही इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि हमें ब्लूटूथ हर समय चलाना नहीं है, इसमें ऑन ऑफ भी करना है। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से, हमें इसको 3.5 mm जैक को बाहर की तरफ निकाल कर रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे कार में लगाएंगे तभी तो हमारा ये हम रिसीवर बना रहे हैं, और जैसे हम इसे कार के जो म्यूज़िक सिस्टम होगा उसमें लगा देंगे तो फिर हमारा जो आउटपुट है हमारी कार के डिब्बे से आने लग जाएगा। या हम इसे किसी भी ब्लूटूथ में यूज़ कर सकते हैं, जो भी कोई भी डिवाइस ऐसी है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, हम उसमें इसे ब्लूटूथ का डिवाइस बना सकते हैं। ये जो हम बीच वाला पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं ये ग्राउंड का पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे वो लेफ्ट का पॉइंट होगा, और नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो राइट का होगा। मेन लाइन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर हमें ग्राउंड लेफ्ट राइट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रूफ दूंगा, क्योंकि आपको प्रूफ देना मेरा काम है भाई, क्योंकि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर हम इसकी बैटरी का कनेक्शन करने वाले हैं। बैटरी का कनेक्शन कैसे करने है ये आपको पता ही है, प्लस को प्लस पर रख दीजिए, माइनस को माइनस पर रख दीजिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने एक जो स्विच लगाया है, स्विच में हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि स्विच के बिना हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा, और स्विच ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें इसे इसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड नहीं है कोई भी स्विच, तो हमें एक्स्ट्रा अलग से लगाना पड़ता है, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी पुराने कंपोनेंट में से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं घर में, आपके पता ही होगा। तो यहाँ पर हमने प्लस वाली जो लाइन है ना उसे ले लिया है, और उसको हम स्विच में लगाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच वाले पॉइंट पर हमने ब्लूटूथ का जो पॉइंट आ रहा है वहाँ से प्लस वाली लाइन का उसे लगा दिया। अब यहाँ से जो बैटरी का पॉइंट जाएगा उसे दूसरी जो लेग है स्विच की उस पर लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से करेंगे माइनस की कनेक्शन, वो कैसे करेंगे? ब्लूटूथ पे जो पहले से ही छोटा सा वायर लग रहा है माइनस का उसे हटा देंगे, और जो बैटरी का प्लस माइनस का वायर है उसे ब्लूटूथ के माइनस पॉइंट पर लगा देंगे। तो सिंपली यहां पर हो गए बैटरी के कनेक्शन। अब यहां पर हम आपको दिखा देते हैं कि भैया इसमें थोड़े सा हमने क्या किया है। यहां पर इसकी जो 3.5 mm जैक है ये ज्यादा इधर उधर ना भागे, इसलिए मैंने यहां पर ग्लू लगा दिया है, लेकिन आप यहां पर ग्लू की जगह पर सोल्यूशन वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर MC वगैरह जो होती है वो भी लगा सकते हैं, या फिर और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बस हमें यहाँ पर इसे टिका के रखना है कि भाई जब इसे निकालें या लगाएं तो ये निकले ना, क्योंकि आपको पता ही बहुत ज़्यादा जब हम 3.5 mm जैक को लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइटली इसे करना पड़ता है तब इसमें लगाने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ग्लू लगा दिया है थोड़ा सा, लेकिन आप ज़रूर से इसमें MC वगैरह जो है उसे लगा सकते हैं। और अब देखिए हम यहाँ पर आपको चला कर दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो ब्लूटूथ होता है उसका आपकी कनेक्टिंग को आपको पता ही है कि मैं एक छोटा सा एक और फोन ले लूंगा और उसमें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि भाई हमारा जो ब्लूटूथ है वो पूरी तरीके से चालू है कि नहीं है, ठीक है? तो देखिए अभी ब्लूटूथ हमने देखिए ऑन कर दिया, ठीक है? अब जैसे हम उस पर कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर पेयर मैंने पहले ही कर लिया, इसलिए यहां पर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसे जैसे ही ब्लूटूथ को बंद करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक चला देता हूँ, तो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको पता ही है जब ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होता है तो म्यूज़िक चलता नहीं है, वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको शो हो रही हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर आपको आवाज़ भी नहीं आएगी जो म्यूज़िक बज रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ हमारे यहाँ पर कनेक्ट है। हम जैसे ही ब्लूटूथ को बंद कर देंगे स्विच को, वैसे ही यहाँ पर आवाज़ आने लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, ठीक है? अब ऑन करते ही यहाँ पर हमारी आवाज़ जो गोल हो गई। अब इसी तरीके से ये काम करता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाकर आपको दिखा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी मुझे लगता है, और मुझे लगा ज़्यादा अच्छी रहेगी ये वीडियो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जो कि आपका काम है, और मेरा भी काम है आपको इसी तरीके की और अच्छी वीडियोज़ देने का। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।